देखो ये एक बात तो पक्की समझ लो दैट यू डोंट वर्क फॉर योर सुपरवाइजर, यू वर्क फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए काम कर रहे हो। हाँ तुम्हारा जो काम है ना वो एक सुपरवाइजर के बड़े से काम का एक पार्ट हो सकता है। सुपरवाइजर को जैसे एक बड़ा काम दिया होगा, हाँ तुमने 5 साल में ये काम करना है, तो उसका एक पार्ट तुम्हारा एक थीसिस का काम हो सकता है। बट अल्टीमेटली एम देखो यार, तुम्हारा पीएचडी किसी ना किसी तरह तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, चाहे जैसे हो 3 साल में हो 5 साल में हो वो जो भी है। बट आगे जब जाओगे कहीं जॉब पे जाओगे, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करोगे, वहाँ तुम्हारे अंडर भी तो लोग आएंगे ना पीएचडी करने के लिए, तो उनको क्या पढ़ाओगे फिर अगर खुद को ही कुछ नहीं आता होगा, है ना। सुपरवाइजर का काम तुम नहीं करोगे कोई और कर लेगा, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत से हैं पीएचडी वाले उसके अंडर। बट तुम्हें खुद के स्किल्स जो हैं उनको तैयार करना है कि कल को जब तुम बाहर जाओ ना तो वो ठीक काम हो जाए, वो बढ़िया काम हो जाए। क्योंकि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं किस इंस्टीट्यूट से आया हूँ या कौन मेरा गाइड था, वो एक लेवल तक मेरा हेल्प किया है। बट मैंने जो काम किया है वो उसने हमेशा मेरा हेल्प किया। तो एक बात तो पक्की है कि हम वी डोंट वर्क फॉर द सुपरवाइजर, नो वी वर्क फॉर आवरसेल्फ्स ओनली।